हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का जो वीडियो व्लॉग है ना, वो देख के शायद आपको भी खुशी हो रही होगी कि फाइनली मतलब हॉस्पिटल में विजिट कर ही लिया है। इसीलिए मैंने रास्ते भर से मतलब कोई क्लिप नहीं बनाया, ना मैंने एंटर करते हुए बनाया। नीचे जब तक फाइल रेडी हुई ना, मैंने तब तक भी कोई क्लिप नहीं शूट किया कि कहीं आज भी वापस से ना जाना पड़ जाए, क्योंकि इतनी बार। हाँ, सरप्राइज तो देंगे, फिर अभी थोड़ी डाल रही हूँ वीडियो। निश्चय ना, इधर उधर कहीं कहीं वीडियो कॉल करने की बात कर रहा था, तो मैंने उसको बोला कि नहीं, अभी किसी को नहीं बताना निश्चय कि मम्मा एडमिट है, जब हो जाएगा तो आप फोन करना, खुद सरप्राइज देना। तो ये कह रहा है कि अब आप क्यों बता रहे हो इन लोगों को, क्योंकि उसे पता नहीं है कि वीडियो तो लेट जाएगा। तो बस अभी आए हैं, और आने के बाद ड्रेस चेंज तो देखो ये करा ही देते हैं। ड्रेस चेंज हो गया, अपना जो रूम मिलना था रूम ले लिया है। ऊपर वाले रूम में आई हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे शांति सी है, थोड़ी अच्छा लगता है। और नीचे फिर थोड़ी सी भी अगर आवाज़ निकले पेन में, तो फिर खुद को अच्छा नहीं लगता है ना। और साथ में है निश्चय, निश्चय से भी मिल लो आप। आओ निश्चय, एक बार बताओ। हेलो। तो चलो, जैसा भी जो भी होगा, अब ये तो मैं नहीं कहती कि कितना कर पाऊंगी और कितना नहीं शूट, बट अभी मैं बिल्कुल ओके हूँ। और तो यहाँ पे जो इनका नर्सिंग स्टाफ जैसे होता है, शुरू में जैसे जाते ही आपको पता है कैनवेला लगाई जाती है, तो उसके लिए आ चुके थे। और बस अभी वो मतलब सिरहाने वाली साइड में लेटी थी, जिस साइड में मुझे कंफर्टेबल लग रहा था, उस वाले हाथ पे लगा के देख रहे थे। बट काफ़ी कोशिश के बाद इस वाले हाथ में सेट नहीं हुआ था, तो उन्होंने अभी ना वापस निकाल दिया है, और वो शायद दूसरा लेने के लिए गए हैं, और तब आ करके फिर सेट करेंगे। बैठो आप, थोड़ा मेरे हाथ से दूर रहो। और निश्चय का आपको पता ही है कि कितनी बार मतलब हमारे साथ हॉस्पिटल जा चुका है। चुटकू लेके आऊँगा, अब की बार तो लेके ही आऊँगा। और मैं तो आज ना उससे बिल्कुल पक्का मतलब प्रॉमिस करके ही गए थे उसके मम्मी पापा कि बेटा आज तो आपको दिला के ही लाएंगे, आपका भाई बहन जो भी है। तो उसको ये लग रहा था कि जाते ही बस मतलब मेरे हाथों में आ जाएगा, तो उसके लिए तो ना एक एक मिनट भारी हो रहा है कि कब आएगा कब आएगा। आगे आपको दिखाऊंगी भी, गुस्सा भी कर रहा है अंदर चुटकू के ऊपर पेट में ही कि कब आ रहा है, तो कितने देर में आएगा। तो और यहाँ पे जो है, मैंने आपको बताया था मेरे एक वाले हैंड मतलब दूसरे वाले हैंड पे सेट नहीं हुआ था, तो अभी दूसरे वाले हैंड के लिए आ चुके, और इसकी भी नस ना मिल नहीं रही थी। और तो बस यहाँ पे टॉर्च से उन्होंने सेट फाइनली कर ही दिया है। और गाउन पहनने के बाद ये हॉस्पिटल वाला और कैनवेला सेट होने के बाद ना ऐसा लगता है ड्रिप ड्रिप चढ़ने के बाद, हाँ पेशेंट वाली फील अपने आप ही आने लग जाती है। लेकिन मेरे अंदर ना थोड़ा मतलब वो है कि मैं उतनी जल्दी हारती नहीं हूँ। अगर मुझे हल्का फुल्का पेन वेन जैसे इंजेक्शन वगैरह लग रहे हैं ना, ये मेरे मुँह से ऊँ भी नहीं निकलता। अगर मुझे किसी चीज़ में पेन होता है, मैं कस के जो मेरे पास हो या कोई पास नहीं है ऐसा पकड़ने वाला इंसान, मैं बेड को ही कस लेती हूँ, लेकिन मैं उतना ज़्यादा वो नहीं करती। पूरे हॉस्पिटल ने ना मतलब यही बोला, जो भी मेरे पास नर्स आती वो मुझे यही कह कर के जाती कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पेशेंट हो, आप सबसे स्ट्रॉन्ग पेशेंट हो। और मुझे ये सुन के ना और ज़्यादा ज़्यादा हिम्मत मिलती जा रही थी कि हाँ सच में इनको अच्छा लग रहा है, तो मैं और ज़्यादा मतलब मोटिवेट होती जा रही थी, आप ये समझिए। और ऊपर से निश्चय के पापा जो है मुझे काफ़ी मोटिवेशन दे रहे थे, क्योंकि सामने जिससे आप बहुत लगाव रखते हो, जिससे आप आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक पर्सन ऐसा होता है, और जब वो आपके साथ आपकी बुरी से बुरी कंडीशन में होता है ना, तो हिम्मत अपने आप ही मिल जाती है। यहाँ पे जो है ना, ये लग चुका है ग्लूकोज के लिए, तो और उसमें एक पेन का भी इंजेक्शन डाल दिया है, बहुत हल्का हल्का मतलब चल रहा है वो इंजेक्शन। तो अब देखते हैं, जैसा जो भी होगा फिर आपको मैं बताती हूँ। क्या कर रहे हो आप मेरे सिर में? दिखाओ। अच्छा, आपको दिखाऊं? चुप क्यों रहे हो अब, दिखाओ बोल के। चलो फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो 10:44 पे है ना वो ये लगा के गए थे ड्रिप, और अभी टाइम हो गया है 11:34, बट अभी तक कुछ नहीं है। मैं ऐसे कैसे, आपको स्माइल से पता चल ही रहा होगा। और मुझे लगा चलो बीच बीच में जब तक मेरी मतलब कंडीशन ठीक है, जब तक मैं बोल सकती हूँ, तब तक आपको दिखाती रहूँ। तो आप अपना नाम बता दो ना, खाना खाने के लिए आपको क्या चाहिए? नई चीज़ की दुकान पे नहीं जा रहे वो कुछ खाना खाने के लिए लेके आ रहे हैं, जो खाना टाइप होती है।
मैं तो बोल रही हूँ, लेकिन पापा मना कर रहे हैं कि नहीं दोनों नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा। यूँ कह रहे हैं निश्चय तेरे पास रहेगा। ना, चुटको आपके पास रहेगा। चुटको तो मेरे पास ही है, चुटको तो पास ही है। अभी टाइम हो चुका है 1:30 बजे का, और मैंने ना एक बीच में लटका भी मार लिया, लेकिन कुछ भी असर नहीं है अभी दवाई का, तो रात हो जाएगी आज तो, आप ये मान लो। और अभी ना घर से भी फ़ोन आ चुका है, मम्मी का भी फ़ोन आ गया इनके पास। मैं सुबह इसीलिए मैंने इनको बोल दिया था, मम्मी कहती कि सुबह ही चल पड़े साथ में, फिर मैं कहा वहाँ बैठे 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 परेशान हो जाऊँगी, अगर मैं किसी परेशानी में हूँ, पेन में हूँ या ऐसा कुछ है, मुझे लग रहा है कि भी जाते ही हो जाएगा, तो चलो भी फिर आप आराम से आ जाना, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आ सकते हैं आराम से। तो फिर अभी फोन आ गया कि आ जाऊं, मेरे तो घर पे बैठे बैठे बेचैनी सी हो रही है, जबकि हम यहाँ रिलैक्स हैं, लेकिन फिर भी देखो घर पे जो रहता है उसको पीछे से होता है। निश्चय बेटा प्लीज मेरे हाथ से दूर हो जाओ। हाँ बुलाएंगे, और ठीक है ठीक है ठीक है, करेंगे अभी उधर से करेंगे। और निश्चय की ताई का भी फोन आ गया है, दीदी भी यूं ही कह रही है कि इधर से मैं आ जाऊं, उधर से तेरे भैया कह रहे हैं ड्यूटी से मैं आ रहा हूं, दोनों मतलब रास्ते में मिल लेंगे और हॉस्पिटल आ जाते हैं। फिर मैंने यही कहा कि बच्चों को छोड़ के आओगे, और मैं बिल्कुल ठीक हूं, अभी 1% भी पेन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अभी तो आप घर पे ही रहो, जैसे ही पेन स्टार्ट होगा ना तो हम फोन कर देंगे, आप तब आ जाना, जो भी आना चाहे तभी आ जाना, क्योंकि फिर एक उम्मीद हो जाती है कि 1 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, या आधा घंटा लगेगा, 3 घंटे लगेंगे, लेकिन जब कुछ है ही नहीं फिर यहाँ पे, तो बस आ तो वो तभी जाएंगे जैसे ही मैं उनको फोन करूंगी। और बाल वाल इस तरीके से हो गए, और अपना एक हाथ बंद चुका है, तो रबड़ भी मतलब खोल के डाला नहीं जा रहा। तो चलो अभी ना मतलब बताती हूँ आगे आपको, जो भी अपडेट होगा देती रहूंगी। तो 10:30 बजे से लेके और अभी टाइम हो चुका था 1:30-2 बजे के करीब का, और निश्चय कभी शूज़ पहन रहा था, कभी जैकेट उतार रहा था, कभी पहन रहा था। आपको पता ही है, देखो बड़ों का टाइम कट जाता है। निश्चय के पापा बीच बीच में मुझसे बोल भी रहे थे कि कुछ हुआ सर, कुछ हुआ सर, हम फिर भी इधर उधर की बातें कर सकते हैं, लेकिन वही है कि बच्चों का टाइम कटना भारी हो जाता है। और वो घर पर रहने को भी तैयार नहीं था कि नहीं मैं तो अपने साथ ही अपने भाई बहन को मतलब ले कर के आऊँगा, और उसको यही था कि नहीं सबसे पहले गोद में मैं ही लूँगा, जब छुटकू आएगा तो मैं गोदी में लूँगा, तो इसलिए वो घर पर भी नहीं रह रहा था। और मौसम ना टाइम होते होते ख़राब होता जा रहा था, बारिश शुरू हो गई है बाहर, और इस बीच में डॉक्टर हर बार मतलब जब भी डॉक्टर आ रही थी तो मुझे चेक करके जा रही थी, हार्ट बीट सुन के जा रही थी डॉक्टर, नर्स जो है बार बार आ रही थी, बार 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 मतलब हार्ट बीट सुनना, बीपी चेक करना, ये सब कंटिन्यू मेरा चल ही रहा है 1.5 घंटे के बाद बाद, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर शायद वो दोबारा आ ही रहे हैं, लेकिन सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट जो है पेन 1% भी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। पेन की जो डोज़ है ना वो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने बाकी पेशेंट से डबल डोज डाल दिए, इसमें 1 इंजेक्शन की जगह 2 इंजेक्शन डाल दिए हैं, स्पीड बढ़ा दिया इंजेक्शन की, पहले 10 पे रख रखा था, उसके बाद 25 भी कर दिया था, बट जो है पेन 0%, मतलब 0 प्रोग्रेस, कुछ भी नहीं असर हो रहा था कुछ भी। अब वो भगवान जाने कि ऐसा क्यों हो रहा था। निश्चय पता है खेलते खेलते फ़ोन देखते देखते उसको एकदम से नज़र पड़ी कि मम्मा के हाथ पे ये लग चुकी है, तो मतलब कितने सवाल जवाब होते हैं ना बच्चों के कि मम्मा आप तो कह रहे थे कि जाते ही चुटकू आ जाएगा, लेकिन आप क्यों ऐसे लेट गए हो, आपको ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब लेकिन बच्चों के सवालों के जवाब देना मतलब हमारे लिए मुश्किल होता है इस टाइम पे। बस यही कह रही थी, बेटा मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए डॉक्टर ने पहले सुई लगा दी है, फिर लाएंगे चुटकू को बाहर। और यहाँ पे निश्चय है ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, उसको कितना बेसब्री से इंतज़ार था, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे आज तक का उसके लिए स्पेशल मोमेंट आज ही होने वाला है। निश्चय को है ना इंतजार नहीं हो रहा है, और इंतजार हमें भी नहीं हो रहा है, क्योंकि लेटे लेटे मैं खुद बोर सी हो गई हूँ। लास्ट क्लिप मैंने आपको दिखाई थी 11:34-5 कुछ ऐसा टाइम था, अभी तक कुछ भी असर नहीं है दवाई का, मतलब 2.5 घंटे करीब होने वाले हैं, लेकिन 1% भी असर नहीं है, तो बस हो ही जाता है, जो साथ में बैठा रहता है ना उसको ज्यादा लगता है, और बच्चों को तो होता ही है, तो बस अभी तो इसको यही दिखाया है, भाई शाम तक आएगा छुटकू तेरा, आएगा और मसाजी करवाएंगे।
मौसा जी का क्या करना है आपको? नहीं आपने बोला था कि मौसा जी को बुलाओगे फोन करके। मैडम वो देखना आ रहे क्या? तो ये टाइम है सीधा शाम के 4 बजे का। इस टाइम पे डॉक्टर आ गई थी और डॉक्टर खुद से चेक कर रहे थे, और जैसे ही उन्होंने मुझे चेक किया तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी और नॉर्मल के लिए ट्राई करते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है बट पेन आने की देरी है, जैसे एक पेन आ जाएगा तो आधे एक घंटे की कहानी है, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, बेबी आ जाएगा। लेकिन इसी बीच पता नहीं अचानक से क्या हुआ, जैसे ही हार्ट बीट चेक की तो आपने मेरी थोड़ी सी घबराई हुई आवाज़ भी सुनी होगी। एकदम से ना मतलब बेबी की हार्ट बीट डाउन हो गई इस टाइम पे, और इतनी डाउन हो गई जो सुबह से 140-150 के बीच में आ रही थी और वो इस टाइम पे आ रही थी 80। तो मैम ने बोला कि मतलब सिर्फ हमारे पास 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट और मतलब मैं वेट करती हूँ, और वो भी मतलब मुझे ऑक्सीजन चढ़ा के तब वेट किया जाएगा, और 10 मिनट से ज़्यादा हम वेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जैसे ही मुझे ऑक्सीजन देना स्टार्ट किया, अचानक से देखो आप कहाँ से कहाँ आ गई, मतलब जो पेन था ही नहीं और उसने इतना ज़्यादा मतलब एकदम से क्या कर दिया, और पेन मुझे अभी भी नहीं है बिल्कुल भी। तो ऑक्सीजन लगाते ही मेरी भी सांस जो है ना वो खिंच के आ रही थी, मतलब अच्छे से इम्प्रूव होने की बजाय नीचे की तरफ चली गई थी। तो इस टाइम तो इनको तो लगा था कि जैसे डॉक्टर बाहर गई हैं एक बार को मुझे ऑक्सीजन वगैरह सेट करने के बाद, तो मैं अंदर चलता हूँ, और ये अंदर कैमरा चालू ही करके लेके आए थे। तभी ये कुछ सेकंड की क्लिप थी जिसको कि मैंने बहुत लंबी करके स्पीड कम करके और आपके साथ बस अपनी फीलिंग शेयर की है कि ऐसा ऐसा इस टाइम पर चल रहा था, और मैं चाहती थी ये मेमोरी मेरे लिए रिकॉर्ड हो जाए। तो अब जो है ना मैं आपको आगे दिखाती हूँ कल के ब्लॉग में कैसे क्या हुआ।